Hi students, hi friends. This is KD Sir from Shivam Education. Good morning everybody. Right? आज मैं कोई पढ़ाई के रिलेटेड वीडियो नहीं बना रहा हूँ. आज हम कुछ अलग तरीके का वीडियो बना रहे हैं. आज हम कुछ ऐसे टिप्स देने जा रहे हैं उन बच्चों को जो सारा दिन मोबाइल गेमिंग में रहते हैं, सारा दिन ऐसे ही पास ऑन कर देते हैं और देखते देखते 60 दिन निकल गए. 60 डेज हैव पास्ड ऑन. राइट, लेट्स डू समथिंग प्रोडक्टिव, लेट्स डू समथिंग यूजफुल. राइट, तो आज हम कुछ ऐसे टिप्स देने जा रहे हैं. ऐसा कोई बहुत बड़ा होमवर्क जैसा नहीं है, आपको मजा आएगा. ऐसी बातें, ऐसे काम जो आपको इंटरेस्ट लगेगा. राइट, लेकिन आपको करना होगा. यू नीड टू प्रोमिस मी दैट यू विल डू दिस मिनिमम फॉर मिनिमम 21 डेज. अगर आप 21 डेज मिनिमम फॉलो करने की इच्छा रखते हैं या तो मिनिमम 21 डेज फॉलो करने की डिटर्मिनेशन रखते हैं तो ये वीडियो देखिए, एल्स यू कैन क्विट नाउ. चलो आगे बढ़ते हैं. राइट, सुबह जो है अगर आप देखो तो रोज न्यूज़पेपर तो आता होगा. राइट, न्यूज़पेपर ले लीजिए. अगर नहीं आता है तो ई पेपर जो आपको गूगल में मिल जाएगा. राइट, डिजिटल पेपर कहते हैं. कोई भी इंग्लिश पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, अहमदाबाद मिरर, कोई भी ले लीजिए. राइट, और उसमें से 10 हेडलाइंस लिखिए. एक नोटबुक ले लीजिए, 10 हेडलाइंस, ओनली 10 हेडलाइंस. मैं आपको पढ़ने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ. 10 हेडलाइंस, उसको प्रोनाउंस कीजिए एंड जस्ट राइट डाउन. उस 10 हेडलाइंस में से 10 वर्ड्स नोट कीजिए जिसका मीनिंग आपको पता नहीं. 10 वर्ड्स ऐसे सिलेक्ट कीजिए जिसको, जो चीज़ आपको हार्ड लग रहा है, जो वर्ड, तो उसके मीनिंग्स लिखिए. सी, जब आप मीनिंग्स लिखते हो राइट, अपने डिक्शनरी में से या तो गूगल से, आपको उस सेंटेंस का मीनिंग अपने आप क्लिक होने लगता है. फर्स्ट एक्सरसाइज, ओके, 10 सेंटेंसेस एंड 10 वर्ड्स एंड 10 मीनिंग्स. ओके, डन. अब तीसरी बात, सुबह से शाम तक काफ़ी गेम खेलते होंगे, काफ़ी टाइम कैसे भी पास होता होगा मस्ती में, ये वो. अब मैं आपको और एक 10 मिनट मांगूंगा. 10 मिनट निकालिए और कोई भी इंग्लिश न्यूज़ को वॉच कीजिए. स्टूडेंट्स, एक बात बताता हूँ आपको. राइट, ये विजुअलाइजिंग, देखना और सुनना, सबसे बेहतरीन तरीका है सीखने का. द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज विजुअलाइजिंग एंड हियरिंग, नॉट रीडिंग. द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज विजुअलाइजिंग एंड हियरिंग. राइट, सो 10 मिनट्स, वहाँ भी देखो हमने वैसा नहीं बोला पूरा न्यूज़ देखें, 10 मिनट्स न्यूज़ वॉच कीजिए और फिर उस 10 मिनट्स के दौरान कोई भी 5 वर्ड्स को नोट कीजिए. और अगर आप 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं या 11th के हैं या तो और कोई स्टैंडर्ड के हों, राइट, तो प्लीज़ 10 वर्ड्स नोट करने की कोशिश कीजिए. फिर से एक 10 वर्ड्स आ गए, उसका मीनिंग फाइंड आउट कीजिए. राइट, डन, आपका ये हो गया. अब लास्ट अनदर 10 का रूल, गूगल कीजिए और कोई भी 10 GK क्वेश्चंस लिखिए. कोई भी 10 GK इंफॉर्मेशन, जनरल नॉलेज का इंफॉर्मेशन, 10 सेंटेंसेस. राइट, सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा है, उस तरह का एक कोई भी आप 10 लिखिए. और आज के तारीख में आपने क्या क्या 10 किया, 10 हेडलाइंस, 10 वर्ड्स, 10 मीनिंग्स, 10 मिनट्स न्यूज, 10 मिनट्स, 10 वर्ड्स वंस अगेन, अनदर 10 मीनिंग्स एंड देन 10 GK क्वेश्चंस. अब ये जो है, ये प्रैक्टिस में आपका ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट्स या 25 मिनट्स के ऊपर नहीं होगा. इफ़ यू कैन नॉट गिव अ 20 मिनट्स टू मेक योर लाइफ, इफ़ यू कैन नॉट गिव अलॉट अ 20 और 25 मिनट्स राइट टू शेप योर कैरियर, तो क्या मतलब है, दिन तो ऐसे ही निकल जाएगा. लोग आते हैं जाते हैं, बस यू नीड टू बिकम डिफरेंट. और अगर कुछ डिफरेंट करना है, और अगर कुछ डिफरेंट बनना है, तो आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा. राइट, और ये चेंज आएगा. अगर आप इसे फॉलो करेंगे, आपके लाइफ में ये बहुत बड़ा चेंज आएगा. ये जो बता रहा हूँ ना मैं आपको, इस हैबिट को प्रैक्टिस कीजिए. और इस प्रैक्टिस कम से कम 21 डेज होना चाहिए. ये 21 डेज जो है एक बहुत बड़ा मंत्र है, एक बहुत बड़ा मैजिकल पावर है. इसके बारे में मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, अभी सिर्फ फॉलो कीजिए. इफ़ यू ट्रस्ट मी, जस्ट फॉलो इट.
और आपके कमेंट्स मुझे लिखते रहिए, मैं मेरा मोबाइल नंबर दूंगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपने जो होमवर्क किया, आपने जो लिखा वो भी आप मुझे सेंड करना तो कर सकते हैं, राइट। और मैं आपका अप्रिशिएट करूँगा। मैं जस्ट आपको बूस्ट करना चाहता हूँ, आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ, आप में कुछ चेंज लाना चाहता हूँ, राइट। ये जो अगर आदत अगर आप डालते हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा मैं बताता हूँ। योर डिटर्मिनेशन पावर विल ग्रो, योर परसुवेंस टूवर्ड्स योर गोल विल ग्रो। आप परस्यू करना सीखेंगे, पीछा करना सीखेंगे और आपके लाइफ के तमाम गोल्स आप अचीव करेंगे, क्योंकि आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो गया है, आपका परसिवरेंस स्ट्रांग हो गया है, एंड दैट्स द बिग डील, राइट। सो आई होप यू विल फॉलो दिस, राइट। प्लीज़ कीप ऑन सब्सक्राइबिंग, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों में भी। लेट्स मेक द चेंज ऑल ओवर, राइट। थैंक यू।